centre of the court. And then waiting for that shorter lift from Alakcha to finish it off. तो हम लोग चाहते हैं अगली फ्रेंचाइज भाई लोगों को बात करने के लिए, which is I think ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. PBKS पंजाब किंग्स, जिससे काफी उम्मीदें थी लोगों को, स्पेशली विकी भाई को तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी. रेटिंग में तो विकी भाई सैंटा क्लॉज बने हुए थे रेटिंग जब हम लोग दे रहे थे प्री IPL. तो ये दिल्ली के लिए और PBKS के लिए विकी भाई की बहुत रेटिंग्स थी, बट आई थिंक सबको डिसअपॉइंट जरूर किया. और एक कोई विलियमसन जो बैटिंग कैप्टन जो नहीं दिए, इनके लिए भी आई थिंक एक बैटिंग में वो प्रॉब्लम रही है. मयंक की बैटिंग नॉट इज कैप्टनसी से जरूर मयंक ने सरप्राइज किया, बट द बैटिंग इज नीड्स टू बी डिसाइडेड फॉर, बिकॉज ही इज एन ओपनर एंड बेस्ट ओपनर आया है, तब से ही इज बिन अ बंजारा, वो घूम रहा है इधर से उधर यू नो बैटिंग लाइनअप में. सो या PBKS विकी द व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम, क्यों नहीं किए इतनी स्पेशल टीम होने के बावजूद, इकट्ठा करने के बावजूद क्यों नहीं क्वालिफाई किए, द गाइस हू शोन एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर, व्हाट डू यू वांट टू से. आई लाइक व्हाट अजय देवगन यहां पे कुछ नहीं बदला वाला हमेशा एक विन के कारण लोग रह जाते हैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई ना करने को, बट इवन पंजाब विल अग्री कि दिस वाज द बेस्ट स्क्वाड दे हैड असेंबल्ड आफ्टर द 2014 का. या मयंक का बैट से रन्ना निकलना, शिखर धवन आल्सो मे बी, मतलब दे वुड हैव एक्सपेक्टेड मोर कंसिडरिंग द स्टेट्समैन दैट ही इज, अ काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही वाज इन, शायद दे वुड हैव एक्सपेक्टेड अ बिट मोर एंड दे वर नॉट रॉन्ग इफ दे एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम. और बैस्ट्रो भी, मतलब शायद जब सीजन ऑलमोस्ट अपने एंड में आया वॉज वेन ही स्टार्टेड कमिंग इन टू हिज ओन, शायद 3-4 गेम्स ही टुक. ओडियन स्मिथ वाला जो एक्सपेरिमेंट था आफ्टर अ वन गेम, दैट इज अ बिग थिंग. तो ये सब मतलब उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट में ही थी, एंड एज कम्पेयर टू देयर बोलिंग विच वॉज आर्ग्यूबली देयर वीकर सूट, इट स्टूड अप मेनली बिकॉज ऑफ अर्शदीप सिंह, एंड दैट मैन इज हैविंग सेंसेशनल IPL आफ्टर IPL एंड राइटली रिवॉर्डेड विद एन इंडिया कॉल अप. ककीसोर अबाड़ा केम इनटू हिज ओन, राहुल शहर ब्लू हॉट एंड कोल्ड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन द बोलिंग डिपार्टमेंट मुझे ऐसा लगता है. बिग फैन ऑफ लियम लिविंगस्टन कंसिडरिंग, मतलब एवरी गेम. We are all converted now. We are all converted. Yes. We were skeptics. Yes. कि IPL में अभी तक नहीं किया है, but we are converted now. Correct. और 117 वाली जो उसने हिट मारी थी यार, मजा आ गया था देख के. That was one of the highlights of the IPL. We. And then another player who impressed me, surprised me, मतलब whom I knew nothing about was Jitesh Sharma. मतलब इतना unknown quantity था, and he played with so much clarity. Gave a lot of joy to cricket viewers. मुझे ऐसा लगा. थोड़ा सा मेरे को उसमें थोड़ा सा राहुल त्रिपाठी दिखा मेरे को उसको थोड़ा सा. Yeah, correct. But let's see how he progresses in the future. We'll have to see. Vikas, same thing, same order. You can say मतलब भाई where it went wrong, players जो थोड़ा सा shine किए उनके लिए season और अगले साल कैसा लग रहा है पंजाब किंग्स का. देखो प्रॉब्लम वहाँ पर समझ जो जैसे आपने जब जैसे ऑलरेडी मेंशन हो चुका है यहाँ पे कि मयंक अग्रवाल का फॉर्म एंड ऑल एवरीथिंग is there, लेकिन आई थिंक देर इज अ मैसिव कंफ्यूजन यार. अगर ये पहले से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, बेस्टो कहाँ बैटिंग करेगा कहाँ नहीं करेगा, और इसके लिए भी काफी लेट हुए वो बेस्टो अगर फेल हो रहा है, they could see कि बेस्टो फेल हो रहा है, तो वहां पर मयंक, और इतना नीचे मयंक को भी डालने की जरूरत नहीं थी. मयंक could come at number 3 और वहां पर वो सॉर्ट हो जाता था. अगर शिखर धवन, बेस्टो एंड मयंक अगर आते, लिविंगस्टन को तुम नीचे रोटेट करते घुमा, then वो काफी हद तक सॉर्ट हो सकता था. I was really happy with Mayank's captaincy, I'll say, but इतना भी नहीं, लेकिन मेरे को लगता है ये मैनेजमेंट का ही इशू है बॉस, ये मैनेजमेंट का ही. It all comes down to Anil Kumble. It all comes down to Anil Kumble. ये क्वेश्चन था, was it KL or was it? Was it? But देखो यार, अभी भी वो पूरी तरह से पता नहीं बोल सकते हैं नहीं, but उधर बीजी है क्योंकि वो हाँ तो वो कवर कर लेता है, but yeah. मोहाली में तो
फास्ट बॉलर ज्यादा है, पेसर सीमस का ज्यादा रोल है, लंबा भी ग्राउंड होता है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स ऑल मैनेजमेंट एंड एक नया फ्रेश अप्रोच लाके अगर वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज सेम चीज मिलेंगे तुमको 5-6 नंबर पे. Yeah, we've covered मतलब PB case mostly, मतलब हाँ, but दो तीन चीजें that I would want to add as well, मतलब कि yeah, that whole thing नीचे lower middle order का audience में को try किया पहले, जितेश का भी कोई order नहीं था, finishing कर रहा है भाई जितेश, how can you expect? मस्त मतलब, कर रहा था वो दिल्ली वाला match, अच्छा कर रहा था मतलब वो जो भी है, मतलब कि but नहीं expect कर सकते ना आप कि उसको उस role में भेजो. Then again जो तुम दोनों ने mention नहीं किया, I think एक जगह है, मतलब कि player को बोल रहे हो वो पैसे भी मिल जाएंगे वहां पर शिप आउट भी कर लोगे, दैट इज एसआर के, वो तो मतलब कि दो बार चूना लगा गया भाई वो मतलब कि आज खेल रहा है. हाँ मतलब ठीक है, बट वो ही हैजंट लुक्ड, मतलब ऐसा लग रहा है कि बॉल पहले निकल जा रही है, बैट बाद में आ रहा है उसका, ही हैजंट लुक्ड दैट इंटरनेशनल क्वालिटी एज वेल, मतलब यू नो, तो खेलना ही नहीं था यहाँ पे, मुझे ऐसी फीलिंग आई. He was just waiting for this. 9 करोड़ मिले हैं यार आपको, I don't know. मतलब it's easy to bash, you know, domestic bowlers in Syed Mushtaq Ali playing for Tamil Nadu. But when it comes to a little higher level of cricket, sometimes people don't transition that well. Maybe that is the case with him. So, wo, I think that is where wo 9 करोड़ ले से लेके audience में भी काफी महंगा 6 करोड़ के ऊपर गया था. So I think that that is the place that they can replace someone with, कोई नीचे एक बंदे को ला सकते हैं क्योंकि जितेश अच्छा वो है. वो डेफिनेटली एक है कि वो एक प्लेयर भी अगर ऐड हो जाता ना, वो एक लोअर मिडिल ऑर्डर समवन लाइक अ मिच मार्श फॉर एग्जांपल अगर ऐड हो जाता वहां पे, तो वो बॉलिंग भी, क्योंकि उनको पास फिफ्थ बॉलर की या फोर्थ बॉलर की भी कमी है एक, यू नो, राहुल चहर, रबाडा और उसके बाद, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो थिंग, री एमर्जेंस ऑफ रबाडा इज आई थिंक अ वेरी अमेजिंग थिंग फॉर देम ऑल्सो. मोहाली में बहुत अच्छा वो करेगा, दैट हैज बीन अ गुड थिंग फॉर देम. एक्सप्लोसिव तो है ही, उनकी बैटिंग तो है ही. अर्शदीप इन द इंडियन टीम नाउ, ही इज जस्ट गोना ग्रो एज अ बॉलर अब और ज्यादा. तो आई थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं पंजाब किंग्स को, जस्ट हेयर एंड देयर एवरीथिंग. एंड यार आई थिंक बियॉन्ड, या मैं वही बोलने आया था, आई थिंक दे शुड लुक बियॉन्ड कोहली. आई थिंक इट्स टाइम, आई थिंक दे सीन इट विद डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट कैप्टन्स, डिफरेंट सेटअप्स, दैट ही इज नॉट एबल टू अचीव द रिजल्ट्स. आई थिंक स्पोर्ट शुड बी अ रिजल्ट बेस्ड बिजनेस, यू नो, क्योंकि जब तक आपकी टीम पिच पे परफॉर्म नहीं करेगी तब तक आपकी फ्रेंचाइज में एडवर्टाइजिंग वाइज भी, यू नो, जस्ट स्पॉन्सरशिप वाइज भी पैसे कम ही रहेगा, मतलब यू नो, दैट इज बाय द थ्री फ्रेंचाइजीज आर वेट दे आर, मतलब आरसीबी इज एन एनोमली, वो अलग चीज है, बट वी विल सी.